चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 6 देखे ना। हमारा हिंदी का 6th चैप्टर, चैप्टर का नाम है घर। और जिनके लेखक हैं भोला भाई पटेल, एक गुजराती लेखक, हमारे इंडिया के पद्मश्री अवार्ड विनर, ठीक है ना, एक पद्मश्री भोला भाई पटेल, गुजरात के बहुत अच्छे लेखक भोला भाई पटेल। और ये जो उन्होंने लिखा है पार्ट, वो एक निबंध है, एक निबंध की तरह लिखी, अपनी ही स्टोरी है पर एक निबंध के वे में उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी तरह से। ये ओरिजिनल, ये जो घर है, ये पूरा निबंध, ये ओरिजिनल गुजराती में लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद किया है डॉक्टर आलोक गुप्ता ने। जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हिंदी में, वो डॉक्टर आलोक गुप्ता का अनुवाद है, ठीक है ना। ओरिजिनल ये घर गुजराती भाषा का लिखा हुआ है। जैसे नाम है घर, वहां भोला भाई पटेल को अपने घर, अपने गाँव का घर जो है वो याद आता है, ठीक है ना। भोला भाई पटेल हमारे गुजरात के मेहसाणा के हैं वो, तो वहाँ के अपने गांव का पुराना घर याद आता है। अब सब भाई लेखक और उनके भाई सब बड़े हो चुके हैं, अब वो शहरों में रहते, शहर में जो है वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो गांव का घर जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। वहाँ आना जाना अब रहता नहीं लेखक का, अब गाँव के घरों में तो आना जाना रहता नहीं वहाँ। और क्या कह सकते हैं कि भाई जिस मोहल्ले में उनका घर था, वहाँ पर भी अब वो पहले जैसे पड़ोसी भी नहीं रहे। जो पहले पड़ोसी थे, बचपन जहाँ बीता वहाँ अड़ोस पड़ोस सब जो है वो एक घर जैसा रिश्ता हो जाता है, पर अब वो सब पड़ोसी भी गांव में सब घर वगैरह बेच कर शहरों में चले गए हैं, ठीक है ना। अब ये कभी कभार कोई जो है वो शादी हो, कोई गमी हो या कुछ भी हो, जब ये गांव कभी कभार जाते भी हैं, तो वहाँ अड़ोस पड़ोस के सब नए लोग हैं, और नए लोग तो मतलब उनके साथ जो है वो एक मेहमानों जैसा रिश्ता रहता है। वो लोग भी इनको शहर से आए हुए मेहमान मानते हैं खाली। तो कह सकते हैं ना, अब वो ना गांव में वो घर जो है वो पहले जैसा है, ना जो है वो उनके अड़ोस पड़ोस के लोग पहले जैसे हैं, ना वो जो है वो माहौल पहले जैसा रहा है, कुछ भी नहीं। और गांव में आना जाना भी जो है वो बिल्कुल इनका होता नहीं था, तो घर बंद पड़े पड़े भी कह सकते हैं ना, और जर्जरित होता जाता, और खराब होता जाता है बंद पड़े पड़े। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो वो घर को निकाल देते हैं, गाँव का घर है उसे भाई निकाल देते हैं। अब गांव में वो घर इनके माता और पिता ने, भोला भाई पटेल के माता पिता ने खुद अपने हाथों से पूरा घर बनाया था, इसलिए उनके पिता तो अब रहे नहीं, वो तो गुजर चुके हैं, इनके माँ अभी हैं। तो जिससे इन्होंने अपनी माँ से परमिशन मांगी, इन्होंने सब भाइयों ने अपनी माँ से परमिशन मांगी कि भाई वो गाँव का घर वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, पड़े पड़े खराब हो रहा है, क्या करे, उसे बेच दे क्या। तो माँ भी ओल्ड एज के हो चुके हैं, इनके माँ भी ओल्ड एज के हो चुके थे, कि कहो ना कि बस अपना समय गिन रहे हो, वैसी वो हालत थी उनकी। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वहां पर गांव का ये घर बेचने का नक्की तो हो गया, लेखक और उनके भाइयों ने नक्की किया कि गांव का घर बेचना है। पर जब से ये बात निकली ना, तब से लेखक के मन में जो है वो एक तरह की उथल पुथल मच रही थी, एक कहते बेचैनी हो रही थी कि यार गाँव का घर बेचना है, जिस घर से जो है वो हमारा बचपन जुड़ा हुआ है, जहाँ पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी जहाँ निकली है, तो वो घर अब बेच देना है। लेखक के मन में हमेशा ये जो है वो उथल पुथल मच रही थी। और क्या कह सकते हैं कि चलो एक प्रोसेस शुरू तो हुई, मन तो ये भी मना रहे थे ना अपने मन को कि ठीक है गांव का घर बंद पड़ा है, वैसे भी कोई यूज का नहीं, इससे अच्छा निकाल देंगे हम। तो अपने गांव के ही कोई एक पहचान वाले थे, उनसे बात कर दी कि भाई ये घर को निकालना है, कोई कस्टमर हो तो बताना। एक कस्टमर मिल भी गया कि चलो जो घर खरीदने के लिए तैयार है, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, इंसान भी अच्छा था जिसको घर बेच रहे थे। तो उन्होंने नक्की किया कि वो घर बेचेंगे। पर जब से वही बात कि नक्की हो गई कि अब तो कस्टमर भी मिल गया है कि भाई ये घर बेचना ही है, तो तब से इनके मन में और परेशानियां बढ़ गई, वो बेचैनी और बढ़ गई इनकी। इनको वो याद आ रहा था कि भाई ये घर किसने बनाया था, तो इनके माता पिता ने खुद, इनके माता पिता ने खुद वो घर बनाया था। खुद इनके पिता जो है वो बैलगाड़ी में बाहर से ईंटें लेकर आते थे, ठीक है ना, कि दूर आंबा तालाब के किनारे से, तालाब के किनारे से मिट्टी भर भर के खुद लेकर आते थे, खुद खुद गारा तैयार करते थे। और इनके पिताजी वो गारा तैयार करके इनकी माँ वो तगारियों में भर भर कर जो है वो गारे से पूरा घर तैयार करते थे। कहते हैं ना भाई, बेस से लेकर टॉप तक पूरा घर इन दोनों ने, लेखक के माता पिता ने खुद अपने हाथों से बनाया। अब कोई घर अगर खुद अपने हाथों से बना, तो उसके साथ जो लगाव होता है ना, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है, बरोबर। उनका पूरा बचपन, आधी से ज्यादा जिंदगी, लेखक और उनके भाई बहन की आधी से ज्यादा जिंदगी उसी गांव के घर में बीती। फिर जब वो शहर में चले गए, तो शहर में अब सब भाई जैसे अपना अपना घर बनाने लगे, ठीक है ना, और वो खुद तो नहीं, अब तो मजदूरों से बनता था। तो जब भी मजदूरों से शहर में घर बनता ना,
तो उनके माता पिता बड़े गर्व से कहते कि यार ये तो मजदूर बना रहे हैं ना, गांव में तो हमने अपना घर खुद बनाया था। तो नहीं, एक रहती है वो एक प्राउड की फीलिंग, वो एक गर्व की फीलिंग अलग ही लेवल की है। कि जहां पर शहर में देखते हैं ना मजदूर ये सब घर बना रहे हैं, तो ये लेखक के माता पिता कहते हैं कि यार वो गांव का घर देखो, हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो वो घर एक नॉर्मल घर नहीं था, कह सकते हैं ना उस घर के साथ कितनी सारी भावनाएं, कितनी सारी फीलिंग्स वहां पर जुड़ी हुई थी। लेखक की कितनी फीलिंग्स उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनका कह सकते हैं ना आधी जिंदगी वहां पर गुजरी। वही गांव का घर था कि जहां पर सभी भाई बहन साथ में खेला करते थे, सभी भाई बहन ने पढ़ाई वहां पर की। हर तरह की कहो के अच्छे और बुरे मौके के जो भी उत्सव मनाए गए, भाई घर में भाई बहन की शादी ब्याह हुए, वो सब वहीं पे ही थे। यही घर का आंगन था कि जहां पर जो है कभी रिश्तेदारों में झगड़े होते हैं तो कभी जो है वो स्नेह मिलन भी होता था। तो ना कभी अपने रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े होते तो इसी घर में वो लड़ाई झगड़े हुए थे और इसी घर में स्नेह मिलन भी हुआ था। बरोबर, रिश्तेदारों में ये होता रहता है। वही कभी अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी झगड़ा होता है, तो वही घर का दालान था, दालान घर के बाहर का एरिया, के वही घर का दालान था कि जहां पर जो है वो कभी पड़ोसी के साथ बहुत झगड़े होते थे तो कभी साथ में बैठकर उत्सव भी मनाए जाते थे। तो यही वो जगह थी। अब लेखक को याद आ रहा था कि भाई अब वो गांव का घर बेच रहे, कहते हैं ना माइंड जो है वो रैशनल हो जाता है, मतलब माइंड खुद को जस्टिफाई करता है कि हाँ बेच देते हैं ना वो घर अच्छा है, रीजन ढूंढते हैं। तो लेखक भी वैसे ही रीजन ढूंढ रहे थे कि हाँ ठीक है ना गाँव का घर निकाल देते हैं, अच्छी बात है। वो सोच रहे थे कि गांव में अब जाने का भी क्या मतलब, तो वो पहले जैसे पड़ोसी भी नहीं रहे। लेखक को अपने पड़ोसी भी याद आ रहे थे कि उनके बिल्कुल पास में एक पड़ोसी रहता था, ठीक है ना, जो लेखक का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन अब वो भी दूर जो है वो अहमदाबाद शहर में नौकरी करने चला गया और उसका घर भी बंद पड़ा हुआ है। उसके बिल्कुल पास में जो है वो एक एक लेडी रहते थे जो हर रोज वहां पर धार्मिक पाठ किया करते थे घर के बाहर बैठकर। होता था पहले गांव में के घर की जो औरतें होती ना, शाम का समय या सुबह का समय होता, घर के बाहर आकर जो है वो धार्मिक पाठ, कोई भी पूजा पाठ करने बैठते थे घर के बाहर भी, और अड़ोस पड़ोस के लोग आकर सुनने बैठ जाते थे। ये रियलिटी थी, यही तो अपनापन था, आज ऐसा कौन करता है। तो उन्हें याद आ रहा था कि भाई वो पड़ोस का घर, एक घर छोड़ के वहां पर वो लेडी, वहां पर जब वो धार्मिक पाठ करते थे तो सब लोग वहां जाते थे। आज आज वहां जाओ तो वहां वो लेडी तो है नहीं, वो तो कब के गुजर चुके, वहां अब जो है वो कोई एक बुरा इंसान रहता है। ठीक है, तो ये भी है ना, घर के बिल्कुल सामने जहाँ गांव का घर था उनके बिल्कुल सामने जो है वो एक ओल्ड पर्सन रहते थे जिनकी भी डेथ हो चुकी है अब, ठीक है ना। वो ओल्ड पर्सन बेचारे कुंवारे ही मर गए कि उनका ना कोई परिवार वाला रहा ना कोई, और घर वो खाली रहा। उसके बाद दूसरे किसी कोई वहां पे रहने आया तो वो अक्सर पड़ोस के साथ जो है वो झगड़ा करता रहता था। इनके गांव का जो घर था उनके सामने जिनका घर था वहां पे अब और कोई रहने आया ना तो वो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करता कि भाई ये एरिया मेरा है, ये जगह जो है वो मेरी। और उस झगड़े की वजह से कितनी बार जो है वो वहां पर तकलीफें होती, पूरा घर जो है वो गिराया भी गया, वहां पर अलग डायरेक्शन में नई तरह से घर भी बनाया गया। तो लेखक को ये सब बातें याद आ रही है कि अब गाँव का माहौल वो पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उनको इच्छा हो रही है कि गाँव में सभी घर, उनके अड़ोस पड़ोस से सभी घर बदल गए, लोग बदल गए, घर का जो है वो डायरेक्शंस बदल गए, तो भाई उनका घर अब क्यों वैसा पड़ा है, वो भी अपना घर बेच देंगे, वो भी अपने गांव का घर बेच दें। उनके मन में यही आ रहा है, इसलिए वो कहते हैं ना माइंड को रैशनल बना रहे थे कि भाई ठीक है घर को बेच देते हैं। ठीक है, तो ठीक है उन्होंने अपने घर मन को मना लिया कि भाई घर को बेच देते हैं। पर एक तरफ माइंड में वो भी आ रहा था ना कि यार घर वो नहीं होता कि यार सिर्फ क्या कह सकते हैं कि सिर्फ चार दीवारों से बनाओ, ईंट रेती से बना हुआ हो, ये घर नहीं, वो तो मकान कहते हैं हम, वो तो मकान है। घर तो बनता है भावनाओं से, फीलिंग से। मकान टूट भी जाए ना तो भी घर तो दिल में रहता है। आपके यहाँ पर अगर सपोज आपने कभी जो है वो घर चेंज किया हो और आपका बचपन अगर कहीं बीता हुआ हो ना तो वो कभी याद करना। सपोज अगर ऐसा हो कि आपका बचपन कहीं और घर में हो, अभी कोई और घर में हो, तो वो घर आपको हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहता है वो, है कि नहीं। और कभी भी उस एरिया से भी जाओ ना तो मन में एक अजीब सी जो है वो गर्व की खुशी आती है कि यार यहाँ मेरा बचपन बीता था, अरे मैं यहाँ खेलता था, देखो ये मेरा एरिया है, अरे ये मोहल्ला है, मैं यहाँ रहता था। वो जो बचपन की यादें है ना, वो फीलिंग आपको कहीं पर और नहीं मिलेगी। तो लेखक को भी मन में यही था कि भाई घर घर जो है वो कहो चार दीवारी से, मकान चार दीवारी से बनता है, घर थोड़ी, घर तो भाई भावनाओं से बनता है। घर चला भी गया तो भावनाएं तो मन में है ना, वो कैसे हम निकालें। तो इनका मन वो जो बेचैन था ना, घर बेचे भी ना भी बेचे, तो ना बेचने के भी रीजन माइंड में आ रहे थे, बेचने के भी रीजन माइंड में आ रहे थे।
और कैसे ना, शहर में जब आप रहते हो तो माइंड तो वहीं चलता है कि यार इससे अच्छा तो बेच देना, क्या दिक्कत है ना। जितने पैसे मिलेंगे उसको फिक्स डिपॉजिट में भी रख दिया तो कितना अच्छा जो है वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। शहर में रहने वाले लोगों का यही माइंडसेट रहता है, तो लेखक को भी आखिरी ख्याल यही आया कि घर बेच देते हैं, पैसे मिलेंगे फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे, अच्छी बात है, बरबर। तो इन्होंने घर बेचने का नक्की किया, लेकिन घर बेचने से पहले जैसे एक एक्सपेरिमेंट टाइप हो या एक अलग ही जो है वो थिंकिंग इनकी रही कि लेखक ने सोचा कि घर बेचने से पहले एक बार सभी जो है वो भाई बहन जिन सबका बचपन वहां पर बीता था, वो सभी भाई बहन एक बार उस घर में जाकर फिर से रहेंगे, कुछ दिन वहां पे रहेंगे, फिर वो घर को बेच देंगे, बरबर। तो होता ना जैसे सभी भाई बहनों ने नक्की किया कि उस घर में फिर से चलते हैं, ठीक है। तो वो घर का जो है वो दरवाजे फिर से खुले, फिर से घर जो है वो थोड़ा साफ सुफ किया गया वहां पे रहने लायक, के कुछ दिन वहां रहेंगे फिर वो घर बेच देंगे, ठीक है ना, सबने सोचा। तो लेखक, उनके भाई बहन, उनकी माँ, पिता तो थे नहीं, उनकी माँ को भी वहां लेकर गए और सब जो है वो वहां पर खुशी से रहने लगे। वो जो बचपन की खिलखिलाहट थी ना वो उस घर में वापस आ गई। अरे कभी ट्राई तो करके देखो ये एक्सपेरिमेंट जो लेखक ने किया है कि जहाँ पर सब कजिन्स, जो भी आपके भाई बहन हो, कजिन्स हो, जो आपका सबसे पुराना कोई घर हो ना कि जहाँ आपका बचपन बीता हो या कोई हो, वहां पे जाके एक गेट टुगेदर करो। अरे देखो वो जो मजा वहां पर आएगा ना, शायद ही जो है वो और कहीं पे हो। तो लेखक ने भी यही नक्की किया कि सब जो है वो भाई बहन वहां पर मिलेंगे। लेखक अपने एक शहर के दोस्त को भी वहां पर लेकर गए, उनको भी वहां पर एक अलग ही मजा आ गया। लेखक ने खुद अनुभव किया कि इनकी माँ जो है वो पिता के मरने के बाद हमेशा उदास उदास रहती थी कि भाई जैसे बस अब तो जीवन ही खत्म है, लेकिन गांव में आकर इनकी माँ भी खुश रही, उनके चेहरे पर भी जो है वो मुस्कान देखने को मिली। तो गांव में कहते हैं ना बहुत अच्छा रहा। अब वो एक दिन की बात है कि शायद सब भाई बहन जो है वो गांव में यहाँ वहाँ गए होंगे, लेखक घर पे अकेले बैठे हुए थे, ये और उनके माँ थे, तो घर पे अकेले थे। तो एक कहते हैं ना भाई घर का एक राउंड, अकेले बैठे ना घर का हर कोना, हर जो है वो दरवाजा, हर जगह जो है वो एक बार देख ले। लेखक को भी यही हुआ, तो लेखक गए उस एरिया में, घर के बाहर का वो एरिया जहाँ पर वो बैठकर पढ़ा करते थे, जहाँ पर पहली बार उन्होंने क ख ग घ लिखना शुरू किया था, जहाँ पर स्कूल की किताबें उन्होंने पढ़ी थी, वो जगह जाकर बैठे। वहां जैसे ही बैठे ना तो उनको सब बातें तो याद आ रही थी, और पीछे दीवार थी वही पुरानी थोड़ी टूटी फूटी, तो उस दीवार पे जैसे ही वो टेका लगाकर बैठे ना, तो जैसे नहीं उनको अचानक से गूज बम्प आ गए हो, अचानक से जो है वो एक तरह से जैसे शरीर में करंट लगा हो और जैसे पूरा घर जो है उन्हें कुछ बोल रहा हो, वैसे उन्हें फील हुआ। वो जैसे घर की दीवार है वो लेखक को बोल रही हो कि भाई बस इतने सालों बाद मुझसे मिलने आए, और आए भी कैसे कि अब मुझे बेचकर चले जाओगे। वो घर की दीवार है जैसे उन्हें बोल रही हो, ठीक है ना, वो मन की आवाज होती है, पर जैसे वो घर की दीवार है उनसे बात कर रही थी कि भाई बस इतने सालों बाद मुझसे मिलने आए, वो घर बोल रहा था मुझसे इतने सालों बाद मिलने आए और बस अब बेच के चले जाओगे मुझे। तो लेखक कह सकते हैं ना उनको सहन नहीं हुआ, वो वहां से एकदम उठ गए, घर के बाहर आंगन में चले गए, वहां पर खाट पड़ी थी, वो खाट बिछाकर वहां पर बैठे लेटने लगे। लेकिन वही ध्यान आया कि वही आंगन में जो है वो क्या कह सकते हैं गाय भैंसों को वहां पर बांधा जाता था, जब वो छोटे थे तो इनके घर पे ही गाय भैंसे थी, वहां पर बांधी जाती थी। आज आज वो जगह तो है, वो खूंटे भी लगे हुए जहाँ पे डोरी बांधते थे गाय भैंसों को, लेकिन अब वो जगह पूरी खाली है, वहां गाय भैंस तो है नहीं। लेकिन लेखन जब वो ध्यान से देख रहे थे ना, तो ना होते हुए भी वहां से जैसे गाय भैंसों की आवाज आ रही थी, ठीक है ना, ना होते हुए भी उन्हें वो आवाज सुनाई दे रही थी, वो बचपन की आवाज, जो बचपन जहाँ पे उनका बीता था, ठीक है ना। लेखक फिर से एकदम शॉक हो गए, वहां से उठ खड़े हुए, नहीं बैठ पाए वो घर के आंगन में भी, घर के जो है वो अंदर चले गए एक बंद कमरे में। वो कमरा और कुछ नहीं, उनके घर का एक स्टोर रूम था जहाँ पे पहले घर का अनाज वगैरह ये सब वो स्टोर करते थे, तो घर का स्टोर रूम था, वहां पर वो चले गए। वहां पे जाके देखा एकदम अंधेरा, खाली स्टोर रूम, अब तो वहां पर कोई अनाज वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ नहीं था, बरबर। घर के उस कमरे के कोने में जो है वो खिड़की थी, खिड़की थोड़ी सी टूटी हुई, तो वहां से एक वो सनलाइट आती है ना टिंडल इफेक्ट जैसे होता है, तो वैसे एक सनलाइट, एक पूरी रे रे ऑफ लाइट वहां पर क्रिएट हो रही थी, वहां पर वो देख रहे थे, ठीक है। उन्हें याद आ रहा था कि भाई एक समय था जब इस जगह पर वो अनाज भरते थे, आज वो घर, वो कमरा जो है वो खाली पड़ा है, पर हाँ कमरे के कोने में जो है वो अभी भी कुछ सामान पड़े हुए हैं जो वो यूज करते थे, ठीक है। तो वहां पर भी उन्हें कहते हैं ना उनका मन भराया ये सब देखकर, और वहां से आते हुए जो है वो घर के दालान तक पहुंचे, घर के बाहर तक पहुंचे जहाँ उनकी माँ वहां बैठी थी अकेली, ठीक है ना। बाकी सब उस वक्त यहाँ वहां गए होंगे, ये दोनों ही थे शायद, तो घर की माँ, इनकी माँ, लेखक की माँ वहां पर बैठी हुई थी और रो रहे थे अकेले बैठे बैठे।
तो लेखक को भी लगा कि भाई होता है ना कि भाई उनकी माँ जो है वो अब उम्र हो चुकी थी उनकी, लेखक को हमेशा लगता था कि इनके माँ हमेशा परेशान रहते हैं कि बस अपनी अपने दिन गिनते रहते हैं कि भाई पता नहीं अब कब तक जिएंगे नहीं जिएंगे। तो लेखक भी मन बनाकर अपनी माँ के पास गया और पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। तो जैसे ही लेखक ने पूछा ना तो उनकी माँ का मन और भर आया और भरा, वो तो और ज्यादा जो है वो रोने लगे, जोर जोर से सिसकियां भरने लगे और सिसकियां भरते भरते बीच बीच में बोल रहे थे कि बेटा मैं जब तक जिंदा हूं ना ये घर को मत बेचो। ठीक है ना, उनकी माँ रोते रोते बोल रहे थे कि मैं जब तक जिंदा हूं ना इस घर को मत बेचो। तो लेखक भी एकदम शॉक हो गए कि भाई ये क्या बात हुई। लेखक ने कहा कि भाई तुम्हारी परमिशन से ही तो हमने ये घर को बेचने का नक्की किया था, भाई आपसे ही पूछा था, आपने ही बोला था कि हाँ ठीक है गाँव का घर बेच देते हैं, तभी तो हम बेच रहे हैं। तो उनकी माँ रोते रोते ही बोल रहे थे कि भले कुछ भी मैंने उस वक्त बोला हो पर नहीं, ये घर जो है वो तुम्हारे पिता ने और मैंने साथ में बनाया है, वैसे जो है वो नीचे से ऊपर तक मैंने खुद जो है वो घर तैयार किया है, तो जब तक मैं जिंदा हूं ना ये घर मत बेचो तुम। तो लेखक के भी जो है वो मन में अजीब बातें हो रही कि भाई ये क्या बात हुई। ठीक है ना, और उनकी माँ जो है वो रोए जा रही थी, उनको रोते हुए देखकर लेखक को दुख लेकिन उसके साथ खुशी भी हो रही थी, क्योंकि कहीं एक कोने में लेखक के भी मन में था कि ये घर को नहीं बेचना है, ये पुराना घर नहीं बेचना है, कहीं एक कोने में उनके मन में ये भी था। इसलिए जब माँ बोल रहे थे घर को ना बेचो तो वो माँ को रोते हुए देखकर मन में एक तरह की खुशी हो रही थी कि चलो जो उनके मन में था वही उनकी माँ भी बोल रही है। उसी वक्त क्या कह सकते हैं, घर के बाकी के भी जो है वो सब सदस्य आ गए, धीरे धीरे वहां पे भी सब आ गए। लकीली जो घर को खरीदने वाले थे, जो खरीददार थे, वो भी वहां पर आ गए जिनके साथ सौदा हुआ था। ठीक है ना, अरे ऑलरेडी जो है वो एग्रीमेंट बन चुका था कि हाँ घर बेचने वाले हैं। ठीक है ना, जिसके साथ सौदा हुआ था वो पर्सन भी वहां पर आ गया और सब लोग माँ के आसपास जो है वो घूर घेर कर बैठे हुए थे, सब मना रहे थे कि यार बेच देता ना, सब शहर के लोग, पर शहर के लोग बिजनेस माइंडेड तो वो तो कहेंगे ना घर बेच तो अच्छा है, पड़े पड़े कर भी क्या रहा है, खाली घर क्या करेगा वो। लेकिन वो तो जिसने घर बनाया हो उसको पता ना कि खाली घर क्या कर रहा है, पर वो ना जिसने घर बनाया हो उसे ध्यान है, जो उसकी माँ को ध्यान था। उसकी माँ रोते रोते बोल रही थी कि यार मैं मर जाऊं ना तो उसके बाद भले तुम बड़े बड़े महल बनाओ पर जब तक मैं जिंदा हूं ना ये मेरे और तुम्हारे पिता की निशानी है, ये घर, इस घर को अभी मत बेचो, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मत बेचो इसे। तो वो इतना रो रहे थे ना कि अब उनकी बातों को कोई भी नहीं टाल पाया, कोई भी नहीं टाल पाया उनकी बातों को। आखिरकार सबने जो है वो जो खरीददार आए थे ना वो खरीददार को मनाया कि भाई भाई तुम थोड़े टाइम रुको कि अब ये घर अभी नहीं बेचेंगे, थोड़े टाइम बाद बेचेंगे हम, और जब भी बेचेंगे ना तुम्हें ही बेचेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, एग्रीमेंट बना हुआ है जब भी हमने घर दिया वो तुम्हें ही देंगे हम और किसी को नहीं। ठीक है ना, जो वो खरीददार था उसे भी वापस भेज दिया, और जैसे वो गया ना, जैसे वो गया तो सबके मन में एक तरह की हाश हुई, जैसे जो है वो दिल पे एक बोझा लगा हुआ था वो बोझा जो है वो हट गया कि ये घर नहीं बिक रहा है। वो खुशी जो उनकी माँ को हुई वो तो अनगिनत थी, पर बाकी सबको भी, लेखक को भी उतनी ही खुशी हुई कि अब ये घर नहीं बिक रहा है। ठीक है ना, जो एक मानते हैं ना कि भाई हम कोई भी घर में रहते हैं ना तो हम लोग अक्सर मानते हैं कि एक ग्रह देवता होता है, लेकिन यहाँ चैप्टर में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, और रियली मानते हैं, हम भी मानते हैं कि ग्रह देवता होता है, हम जब घर में रहते हैं ना वो घर में एक देवता बसते हैं हमारे साथ, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो भाई फील करना हो ना तो लिटरली घर में जो है वो एक पॉजिटिव वाइब सब लेकर आओ, तो वो फील करो कि हाँ घर के कोई देवता, घर में है कोई शक्ति जो हमारा साथ दे रही है, जो हमें जोड़ के रखी है, जो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, होती है ऐसी शक्ति। और लेखक को उस वक्त उस शक्ति का फीलिंग आया, वो आया कि भाई, और रियलिटी है, लेखक जिस हिसाब से लिख रहे हैं यहाँ पर वो बात सच है कि जब वो चला गया खरीददार, सबके मन को हाश हुई, तब ऐसे लग रहा था कि वो ग्रह देवता जो है वो सबको देखकर मुस्कुरा रहे हो, उन्हें फील हुआ, सबको फील हुआ, लेखक को, लेखक की माँ को जैसे फील हुआ हो कि नहीं ग्रह देवता का आशीर्वाद हमें मिला है कि ये घर अब यहाँ पे है। बरोबर ना, आगे बेचा ना बेचा, कहते हैं ना भाई जब तक उनके माँ जिंदा थे तब तक तो वो घर कम से कम यहीं रहेगा ही, उसके बाद जैसा हो। अरे बात ध्यान, तो सही बात है भाई, घर अलग ही चीज होती है, मकान भले हम चार दीवारों से बना ले, खरीदे बेचे, पर घर को नहीं, घर वो भावनाएं हैं, वो फीलिंग्स हैं हमारा, जो भी पहला घर होता है, और खासकर उसके लिए जिसने वो घर खुद बनाया हो, जो पहले के समय में होता था, या आज के समय में जिसने वो घर मेहनत से खरीदा हो, भाई
जो माता पिता जो है वो पाई 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 जोड़कर वो घर बनाते हैं ना, बरबर उनसे जाके पूछो कि वो घर की कीमत क्या है, वो घर में देवता कैसे बचते हैं, कभी उनके पास जाकर पूछो, वो रियली आपको बताएंगे कि हाँ ये है घर की कीमत। हमारे लिए चार दरवाजे हैं, हमारे लिए घर से ज्यादा पसंद जो है वो होटल आते हैं कि यार ये कितना अच्छा है, हम भी जो है वो ऐसे हमारा घर रखें। घर वैसे नहीं बनता, घर फीलिंग से बनता है कि हमारे सभी घर के मेंबर्स अगर जो है वो फीलिंग फुली घर में रह रहे हैं ना, उससे अच्छा घर दुनिया में और कोई नहीं है। अरे बात ध्यान, तो बस अपने घर की इंपॉर्टेंस बताता हुआ ये चैप्टर, वो फीलिंग बताता हुआ चैप्टर लिखते हैं। आप अभी इस एज में हो, आपके लिए बात कर रहा, आप अभी इस एज में हो कि चलो ठीक है, आपका घर आपके माता पिता ने बनाया है, खरीदा है, ठीक है ना, जो कुछ भी है बराबर। और अगर सपोज बाय चांस ऐसी कंडीशन है कि नहीं खरीदा, रेंट पे है कोई, उनसे भी पूछो कि वो घर की कितनी कीमत जानते हैं, ठीक है ना, वो घर की कीमत क्या, वो माता पिता से पूछो। और कुछ सालों बाद जब आप लोग अपना घर खरीदोगे, पहला घर जब खरीदोगे ना, वो फीलिंग आप लोग याद रखना, वो फीलिंग याद रखना उस घर की कि ये पहला घर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अरे बात ध्यान, चलो ठीक है, आज जैसे ये चैप्टर समझा ना, निबंध था, एक फीलिंग जो है वो माइंड में क्रिएट। और सही बात है, इस एज में शायद आपको ये फीलिंग ना आए, चैप्टर बोरिंग लगे कि ये क्या बात है, पर सच में जब कुछ सालों बाद जब जो है वो ये चीज आएगी ना, सिचुएशन आपके सामने आएगी, तब आपको इसकी रियल फीलिंग पता चलेगी। ठीक है, तो आज जैसे ये चैप्टर देखा हमने, वैसे ही हिंदी के जो दूसरे चैप्टर्स आगे के चैप्टर्स रहेंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।